हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सुशांत राज। वेलकम टू यू ऑन द गोल्ड स्टडी पॉइंट। टुडे वी विल डिस्कस हियर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अस फॉर आवर एग्जामिनेशन। लेट्स स्टार्ट दिस विद ग्रेट एंथुजियास्टिक। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोगों के पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट वर्ड है वो है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मीन्स होता है अ पर्सन अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट्स। मतलब कि दो पार्टीज के द्वारा किसी डिस्प्यूट्स को, दो पार्टीज के बीच कोई डिस्प्यूट्स है, कोई वाद विवाद है, कंट्रोवर्सी है, उस कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए जो थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया जाता है उसी को आर्बिट्रेटर कहा जाता है। जैसे आप लोग अमेरिका, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी अमेरिका में, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कंट्रोवर्सी हो रहा है, इस कंट्रोवर्सी के ऊपर उसने कमेंट किया कि मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो डिस्प्यूट्स है इसको सॉल्व करने के लिए एक आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करना चाहता हूँ। मतलब मैं मध्यस्थता करना चाहता हूँ इनके बीच इस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। तो आर्बिट्रेटर का मतलब होता है कि दो पार्टीज के द्वारा जो तीसरे व्यक्ति की नियुक्ति होती है किसी डिस्प्यूट्स या फिर कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए, उसी को कहा जाता है आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है एसेटिक। एसेटिक मीन्स होता है वन हू लीड्स एन ऑस्टर लाइफ। मतलब वह जो मठवासी, ऑस्टर मीन्स होता है मठवासी या फिर महंत बोल सकते हैं, जो साधु की तरह, महंत की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है, उसी को कहा जाता है एसेटिक। नेक्स्ट है कि एथेस्ट। एथेस्ट मीन्स होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। प्रीवियस क्लास में मैं आपको बताया था कि इसको एथेस्ट को एग्नोस्टिक भी कहा जाता है, एग्नोस्टिक भी बोला जाता है। क्या होता है एग्नोस्टिक मीन्स? एग्नोस्टिक मीन्स होता है वैसा कोई भी पर्सन जो गॉड में बिलीव नहीं करता, मतलब कि भगवान होते भी हैं इस चीज में वह बिलीव नहीं करता, उसको एथेस्ट या फिर एग्नोस्टिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मीन्स होता है वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। मतलब कि वैसा पर्सन जो अपने कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं हो, जो वह ऋण लिया हो, जो कर्ज लिया हो, उस कर्ज को पे करने में वह अनेबल हो, मतलब सक्षम नहीं हो, उसको बैंकरप्ट बोला जाता है। बाइगॉट मीन्स होता है वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म इन रिलीजियस मैटर। मतलब किसी धार्मिक मैटर में एक ऐसा पर्सन जो किसी धार्मिक मैटर में काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो, काफ़ी उत्साहों से भरा हुआ हो। बाई गॉड को आप सिंपल समझ सकते हैं, इसको कट्टर कहा जाता है। कट्टर व्यक्ति जो होता है, जैसे पर्टिकुलर किसी धर्म में अपने धर्म को काफ़ी महत्व देने वाला एक ऐसा पर्सन होता है जो कट्टरवादी होता है, मतलब सिर्फ अपने ही धर्म को वह देखना चाहता है। तो ऐसा पर्सन जो रिलीजियस मैटर में काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज्म से भरा हुआ हो, उसी को बोला जाता है बाई गॉड। नेक्स्ट है बोहेमियन। बोहेमियन मीन्स होता है एन अनकोवेशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। अनकोवेशनल का मतलब होता है अपरंपरागत, हमेशा एक सा, मतलब एक ऐसा पर्सन जो हमेशा अपना जीवन एक तरह ही व्यतीत करता हो, मतलब कि इनडिफरेंट हो। इनडिफरेंट मीन्स हुआ कि अगर कोई प्लेजर है तो प्लेजर में भी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ, अगर उसके ऊपर कोई विपदा आया उस विपदा में भी ज़्यादा वह सैड नहीं हुआ, मतलब वह हमेशा चाहे उसके साथ कोई खुशी की माहौल, मतलब उसके उसमें कोई खुशी की माहौल हो, कोई दुख का माहौल हो, उसमें वह हमेशा एक सा रहने वाला पर्सन हो। तो ऐसा पर्सन जो अनकोवेशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, जिसका अनकोवेशनल स्टाइल ऑफ लिविंग मतलब जीने का जीवन, उसके उसका जीवन जो है हमेशा एक सा हो, इनडिफरेंट माइंड का हो, खुशी में भी ज़्यादा खुश नहीं हुआ, दुख में भी ज़्यादा दुखी नहीं हुआ, उस पर्सन को बोहेमियन बोला जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कंप्लीट किया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये सिक्स वर्ड, जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।